ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਡੀਪੀ ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੋਰਾ ਜੀ ਪੱਟੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी मैं दयाल सोढी, स्टेट जनरल सैकटरी भारतीय जनता पार्टी पंजाब। अज असी अपने आप नूं बड़ा भागा वाला दिन समझते हैं, बड़भागे भी समझते हैं कि असी पहले पातशाही श्री गुरु नानक देव जी जिन्हां दा करतारपुर जो उन्होंने इत्थे रह के 13 साल खेती भी की और असी लोग दर्शनां तों वांझे सी। अज असी साडे देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी धन्नवाद करते हैं, समुची केंद्र सरकार का कि जिन्हां ने एक कोरीडोर बना के यह रस्ता खुलवाया और जिहड़े साडियां नान लेवा संगतां हैगियां नानक नाम लेवा संगतां नूं दर्शन करन दा मौका दित्ता है। और अज असी साडे सूबे दे प्रधान श्रीमान अश्वनी शर्मा जी जिन्हां ने साडे भारतीय जनता पार्टी के 3 वफद, 1 18 और 1 21 और 1 22 तरीक, 3 तरीकों के भारतीय जनता पार्टी के 3 वफद जोड़े है वह इस जी पवित्र धरती है वो दर्शन करने लिए जोड़ा है ये प्रोग्राम लिखे। अज जो पहला जथा है साडा 27 लोगों का, ये असी दर्शन करने लिए जा रहे हैं और सानू बड़ी खुशी है कि असी वो धरती जिथे श्री गुरु नानक देव जी ने रह के खेती की असी उहदे दर्शन करने ने और अगे तो भी असी यही अरदास करांगे कि संगतां नूं जिहड़े खुले दर्शन करन दी असी अरदास कीती है वह जिहड़े होर भी साडे गुरधाम ने उहनां दे सानूं खुले दरारे दर्शन होण। सो असी अज अपने आप नूं बड़ा भागी ते भागशाली समझदे हां कि असी उस धरती ते नतमस्तक होण जा रहे हां जी। अज जो जत्था जा रहा जी उस बारे जी, अज भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन करतारपुर साहब गुरद्वारा साहब के दर्शन लिए गया है, उसकी अगवाई श्री दयाल सिंह सोढी जी की प्रधानगी हेठ तो जत्था गया। उस जथे श्री हरजोत कमल जी और होर सारे लीडर जिहड़े भारतीय जनता पार्टी के गए ने, असी उन्होंने स्वागत लिए इतने करतार डेरा बाबा नानक विखे सारे इकट्ठे हो के उस जथे का स्वागत किया और उस जथे नूं रवाना कीता। हाँ जी, हाँ जी, अज भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन सरदार दयाल सिंह सोढी जी की अगवाई में करतारपुर साहब नतमस्तक होने लिए गया वा और बीजेपी दी वल्लों ये पंजाब बीजेपी वल्लों उपराला किया गया कि पंजाब जो कतलो गैरत हो रही है, जो माहौल खराब हो रहा उस बारे बाबा जी के अगे अरदास की जाए कि पंजाब नूं बुरी नज़र ना लगे और यह बीजेपी का उपराला पंजाब का और 21 तरीक न जाएगा जी साडा डेलीगेशन, 22 तरीक न जाएगा तो ये बाबा जी के चरणों के नतमस्तक होकर पंजाब की खुशहाली तो अमन शांति की अरदास करे। डीपी न्यूज़ के नाल मूरारी भट्टी की कोरीडोर तो अज की विशेष रिपोर्ट।